हरियाणा कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा फैमिली और एसआर के तिगड़ी के बीच में चल रहे सियासी घमासान का अगला रण क्षेत्र सिरसा होगा। सिरसा जिले में दोनों ही खेमे जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक दूसरे को मात देने का काम करेंगे। 24 दिसंबर को भूपेंद्र हुड्डा फैमिली सिरसा में बड़ी रैली करने जा रही है। सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने रैली की कमान संभाल रखी है और उन्होंने सभी विधानसभा हलकों में बड़ी मीटिंगें लेके रैली की बम्पर कामयाबी के लिए भरपूर प्रबंध कर दिया है। दीपेंद्र हुड्डा सिरसा के इम्पोर्टेंस को जानते हैं और इसीलिए उन्होंने जहां चौटाला परिवार के सबसे मजबूत गृह जिले के अंदर बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने का फैसला किया है, वहीं पार्टी के अंदर अपने विरोधी एसआर के ग्रुप के खिलाफ भी जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन करने की योजना को अमली जामा पहनाया है। 24 दिसंबर को सिरसा में जबरदस्त शक्ति प्रदर्शन के जरिए दीपेंद्र हुड्डा एक तीर से तीन शिकार करना चाहते हैं। शिकार नंबर एक, दीपेंद्र हुड्डा सिरसा के अंदर बड़ी रैली के जरिए चौटाला परिवार के बड़े वोट बैंक को अपने साथ लामबंद करना चाहते हैं। ये सभी जानते हैं कि इनेलो और जेजेपी दोनों इस समय हाशिए पर चल रही हैं, दोनों 2024 के चुनाव के हिसाब से कमजोर लग रही हैं और इसलिए उनके वोटर भी इस समय कन्फ्यूजन में हैं कि वो क्या करें। उनके वोटर बीजेपी को हराना चाहते हैं लेकिन इनेलो और जेजेपी दोनों ही इस पोजिशन में नहीं है कि वो बीजेपी को हरा सके, इसलिए उनके वोटर कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं और इसी माहौल का फायदा उठाकर दीपेंद्र हुड्डा सिरसा जिले में अपना डंका बजाना चाहते हैं। जबरदस्त रैली के जरिए वो सिरसा के वोटरों में ये मैसेज देना चाहते हैं कि बीजेपी को अगर हराना है तो ऐसे में कांग्रेस ही सबसे मजबूत विकल्प है और कांग्रेस के अंदर भी वो सबसे मजबूत हैं। दीपेंद्र हुड्डा का शिकार नंबर दो है अपनी ही पार्टी के अंदर विरोधी खेमा। इस समय हुड्डा फैमिली के खिलाफ एसआर के तिगड़ी मजबूत मोर्चेबंदी करके मजबूत चुनौती दे रही है और इसलिए उसका करारा जवाब देने के लिए ही दीपेंद्र हुड्डा ने सिरसा में जोरदार रैली करने का मन बनाया है। सिरसा पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा का वर्किंग क्षेत्र रहा है, गृह जिला नहीं कह सकते लेकिन उसे कर्म क्षेत्र जरूर कह सकते हैं और यहाँ पर कुमारी शैलजा आज की तारीख में भी मजबूत पैठ रखती हैं और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा सिरसा जिले के कांग्रेस के अंदर भी अपना वर्षो कायम करना चाहते हैं और वहाँ पर ऐसा के तिगड़ी को कमजोर करना चाहते हैं और इसके लिए वो जबरदस्त रैली करना जरूरी समझते हैं। दीपेंद्र हुड्डा के लिए सबसे बेहतर बात यह है कि सिरसा जिले में उनके सहयोग के लिए जहां डॉक्टर केवी सिंह और उनके विधायक बेटे अमित सियाग मौजूद हैं तो वहां पर शिशपाल केहरवाला एमएलए कलावाला भी मौजूद है। सिरसा में राजकुमार शर्मा उनकी भरपूर मदद कर रहे हैं तो एलनाबाद के अंदर भी भरत सिंह बेनीवाल उनका पूरा सहयोग कर रहे हैं, यानी चारों तरफ से दीपेंद्र हुड्डा को पूरी सपोर्ट मिल रही है और इसी सपोर्ट के बलबूते पर ही दीपेंद्र हुड्डा 24 दिसंबर को सिरसा के अंदर बड़ी रैली करने जा रहे हैं और इस रैली के जरिए ही वो अपने विरोधी खेमों को एक जबरदस्त चुनौती देने का काम करेंगे। दीपेंद्र हुड्डा के लिए तीसरा शिकार खुद का पैमाना भी है। दीपेंद्र हुड्डा 2024 में सीएम बनना चाहते हैं। उनके पिता भूपेंद्र हुड्डा ने अपनी सियासत की विरासत उनको सौंप दी है। इस समय भूपेंद्र हुड्डा के सारे फैसले दीपेंद्र हुड्डा ले रहे हैं और हुड्डा खेमे के सारे नेता भी दीपेंद्र हुड्डा को अपना नेता मान चुके हैं और इसलिए दीपेंद्र हुड्डा इस बड़ी रैली के जरिए ये दिखाना चाहते हैं कि सीएम के दावेदारों में वो अब अपने पिता के आशीर्वाद से पहले नंबर पर आ चुके हैं और उनके साथ में बड़ा जनसमर्थन है, उनके साथ में तमाम बड़े नेता आशीर्वाद और सहयोग दोनों के लिए मौजूद हैं। इसलिए दीपेंद्र हुड्डा सिरसा के अंदर 24 दिसंबर को जबरदस्त रैली करने का काम करेंगे। जहाँ तक एसआर के तिगड़ी की बात है, एसआर के तिगड़ी भी दीपेंद्र हुड्डा की रैली को चुनौती के तौर पर ले रही है, इसलिए जनवरी के दूसरे सप्ताह के अंदर एसआर के तिगड़ी भी सिरसा के अंदर एक बड़ी रैली करने जा रही है। अब देखने की बात यही है कि सिरसा के अंदर एसआर के तिगड़ी अपनी पूरे प्रदेश की रथ यात्रा का आगाज सिरसा से करेगी या समापन रैली सिरसा में करने का काम करेगी। इसी के हिसाब से ही एसआर के तिगड़ी सिरसा के अंदर रैली करने का आयोजन करेगी, उसको फाइनल रूप देने का काम करेगी। सिरसा में एसआर के तिगड़ी की रैली की कमान मेहता फैमिली के पास होगी। वीरभान मेहता और उनके बेटे राजन मेहता कुमारी शैलजा के सबसे मजबूत सिपहसालार सिरसा जिले के अंदर मौजूद हैं। उनकी अगुवाई में ही उनके साथ में ही कुमारी शैलजा और एसआर के तिगड़ी के बाकी नेता वहाँ पर बड़ी रैली करने का काम करेंगे। यानी सिरसा के अंदर 20 दिन के अंदर ही एसआर के तिगड़ी और हुड्डा फैमिली के बीच में जबरदस्त सियासी घमासान होता हुआ नजर आएगा और यहाँ पर दोनों ही खेमे बड़े शक्ति प्रदर्शन के जरिए एक दूसरे को मात देने का भरपूर प्रयास करेंगे। यह भी कह सकते हैं कि कांग्रेस के अंदर सिरसा जिला अब अपने खुद के ही नेताओं के बीच में एक अखाड़ा बन गया है, शक्ति प्रदर्शन का केंद्र बन गया है और इसलिए
दोनों ही खेमे सिरसा में जबरदस्त रैलियों के जरिए एक दूसरे के साथ में सहमत का खेल खेलेंगे। सिरसा जिले की पॉलिटिक्स के अंदर इस समय कांग्रेस सबसे मजबूत नजर आ रही है, क्योंकि इन्हें लोग बेशक चुनौती देने के लिए मौजूद है, बेशक बीजेपी भी वहाँ मजबूत ताकत बनने के लिए बेकरार है, लेकिन जेजेपी वहाँ पर बेहद कमजोर है और आम आदमी पार्टी का विग्राफ सिरसा में नहीं है। ऐसे माहौल का फायदा उठाने के लिए ही दीपेंद्र हुड्डा सिरसा में बड़ी रैली करने जा रहे हैं। सिरसा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा की रैली जहाँ उनके परिवार की सियासी ताकत को बढ़ाने का काम करेगी, वहीं विरोधी एसआर के तिगड़ी के लिए और खास तौर पर कुमारी शैलजा के लिए एक माइलस्टोन स्थापित करने का काम करेंगे, एक चुनौती देने का काम करेंगे और इस चुनौती का करारा जवाब देने के लिए कुमारी शैलजा भी पहले से तैयार हो चुकी हैं। उन्होंने अपनी पूरी टीम को आदेश दे दिया है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह में यानी 14 या 15 जनवरी को वो सिरसा में बड़ी रैली करने की तैयारी कर लें, यानी दीपेंद्र हुड्डा की रैली से बड़ी रैली करके दिखानी है। एसआर के तिगड़ी के लिए सिरसा की रैली वैसे भी बेहद जरूरी रहेगी, क्योंकि भूपेंद्र हुड्डा फैमिली से आगे निकलने के लिए सिरसा की रैली 19 से 21 होनी बेहद जरूरी है। अगर रैली कमज़ोर होती है तो उससे एसआर के तिगड़ी को नुकसान होगा, और रैली अगर दीपेंद्र हुड्डा की रैली से बड़ी होती है तो ऐसे में उनका दबदबा बढ़ेगा। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा भी इतनी बड़ी रैली करना चाहते हैं कि जिसकी बराबरी एसआर के तिगड़ी ना कर पाए, इसलिए दीपेंद्र हुड्डा पूरे एक सप्ताह तक सिरसा के अंदर हर विधानसभा क्षेत्रों में जाकर वहां पर बड़ी वर्कर मीटिंग के जरिए एक एक अपने साथी को, अपने पार्टी के, अपने खेमे के एक एक नेता को जाकर रैली में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाने की हिदायत दे चुके हैं, मार्गदर्शन दे चुके हैं, और इसलिए 24 दिसंबर को सिरसा में भूपेंद्र हुड्डा खेमे की एक बड़ी रैली देखने को मिल सकती है। अब देखने की बात यह है कि रैलियों के इस मुकाबले में कौन शेर साबित होता है और कौन सवा शेर निकलता है। 24 दिसंबर को हुड्डा फैमिली की सिरसा रैली के हालात को जानने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। 24 दिसंबर को दीपेंद्र हुड्डा के शक्ति प्रदर्शन के हालात को जानने के लिए, विश्लेषण को जानने के लिए, भीड़ की संख्या को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। जनवरी के अंदर एसआर के तिगड़ी की सिरसा रैली की खबरों को जानने के लिए, उनके शक्ति प्रदर्शन के हालात को जानने के लिए और उनके दबदबे को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।